आप सभी छात्रों का मंजेश्वर विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की चैप्टर 3 में। और चैप्टर 3 के अंतर्गत हमारे टॉपिक कौन कौन से होंगे, एक तो विद्युत शक्ति रहेगा, दूसरा रासायनिक सेल रहेगा, तीसरा सरल वोल्टीय सेल रहेगा और उसकी कार्यविधि रहेगी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम कहते हैं कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। तो विद्युत शक्ति का मतलब ये है कि किसी परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो यानी कि कोई परिपथ है वह है कितनी विद्युत का इस्तेमाल कर लेता है, तो यानी कि कितनी ऊर्जा का वो इस्तेमाल कर लेता है तो वो क्या कहलाएगी, उसकी शक्ति कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब अपनी मोटर आती है कि ये 2 हॉर्स पावर की मोटर है या 1 हॉर्स पावर की मोटर है, यानी कि कहने का मतलब वह 1 घंटे में 1 हॉर्स पावर की विद्युत शक्ति का विद्युत ऊर्जा का वह है कर लेगा। अब हम देखते हैं कि इसको नापा किसमें जाता है, तो कार्य बटे समय, यानी कि जितने समय में उसने जितना कार्य किया है उसकी विद्युत शक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, इसको मात्रक वाट होता है। तो कार्य को किसमें नापते हैं, जूल में, और समय को सेकंड में नापते हैं, तो जूल बटे समय, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा आपका 1 हॉर्स पावर। देखिए 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं, ये आपकी ओटीओ के क्वेश्चन है। दूसरा 1 किलोवाट के बराबर कितना होता है, यानी कि 1 किलोवाट में 10^3 वाट होते हैं, यानी कि एक अपन क्या कह सकते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं सीधी सीधी, क्योंकि 10^3 घात लगी है। तो यहाँ पर 1 किलोवाट में अपन 10^3 वाट कह सकते हैं। फिर इसके बाद 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, जूल चूंकि छोटी है और सीजीएस पद्धति का मात्रक है, तो ये भी एक ओटी का क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है आपकी। तो क्या आ जाता है कि यहाँ पर 3.6×10^6 जूल। अब यूनिट, अब आपकी बिल आती है, जैसे कि आपके घरों में बिल आते होंगे, तो कैसे नापा जाता है कि कैसे ये यूनिट बन जाती है, तो यूनिट बनाने के लिए वो क्या करता है, इस सूत्र का पालन करता है, मीटर आपका वाट इंटू घंटा, यानी कि किलोवाट प्रति घंटा लिखा जाता है मीटर में, तो वो वाट प्रति वाट इंटू घंटा और घंटे में 1000 का भाग देने पर आपकी 1 यूनिट बन जाती है। आपने कितने वाट चलाया, कितने देर तक चलाया, उसका इसके हिसाब से क्या चलता रहेगा, आपकी यूनिट बनती रहेगी। दूसरी बात क्या होती है आपकी, कि रासायनिक सेल किसे कहते हैं, रासायनिक सेल, तो अपना आपने देखा होगा कि रासायनिक सेल सबसे पहले किसने बनाया, गैलेरियम ने बनाया था, कितने में बनाया था, 1791 में बनाया था, मगर इस सेल में कमी थी, सेल में क्या थी, कमी थी, मतलब इसको बार बार निकाल करके छड़ को साफ करना पड़ता था, ज्यादा देर तक स्थिर विद्युत नहीं दे पाता था, बंद हो जाता था। तो मगर अब अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें, तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो हमारे भारतीय दर्शन को मैथोलॉजी का रूप दे दिया है अंग्रेजों ने, खैर, तो मगर वाकई में वास्तविकता है, रामायण के अंतर्गत अपना जो है ना महर्षि अगस्त थे, उन्होंने कुंभ तड़ित का आविष्कार किया था। कुंभ तड़ित का मतलब होता है वह मिट्टी का बना हुआ बर्तन जिससे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं, तड़ित यानी कि बिजली, विद्युत, इसके प्रमाण भी मिलती है, प्राचीन सबूत मिलते हैं कई, फिर भी मैथोलॉजी में अगर हम आधुनिक के रूप में देखें तो 1791 में गैलेरियम ने बनाया और 1800 में वोल्टा ने इसमें कुछ आंशिक संशोधन कर दिए और उसके बाद क्या बना, सरल वोल्टीय सेल। सरल वोल्टीय सेल जो है ना अपना, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी बनावट, चित्र देख लो, बनावट लिख तो अपने आप ही याद हो जाती है और समझ में आ जाती है। आप चित्र देखेंगे तो चित्र में देखते हैं क्या, एक कांच का बर्तन होता है जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है, जिसको गंधक अम्ल कहते हैं, बाजार में देखा होगा सल्फर आता होगा वो आता है, मगर ये H2SO4 थोड़ा अलग आता है थोड़ा, ठीक है, और ये क्या है ना गंधक अम्ल, वो मात्र सल्फर का विलयन बन के रह जाएगा, बाजार की अपन सल्फर का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कांच का गंधक अम्ल निकलता है, पृथ्वी से ही निकलता है। ठीक है, उस यूरोप के उस क्षेत्र का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वहां पर सबसे ज्यादा खुदाई हुई है, सल्फर निकलता है।
तो ये H2SO4 का कणु अम्ल रहता है और इसमें क्या रहता है, ये कॉपर की छड़ रहती है जो धनावेश का जो धन धन छड़ की भांति कार्य करता है, और जो आपकी जो जिंक की छड़ रहती है वह ऋण आवेश की तरह कार्य करती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम कार्यविधि पर आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि गंधक अम्ल के संपर्क में आती है कौन सी, जिंक की छड़। तो जिंक की छड़ आती है तो वो क्या करती है कि जिंक आयन को वियोजित हो जाती है, जिंक आयन में वियोजित हो जाती है Zn2+। ये क्या करती है, इसकी संयोजकता दो होती है तो ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा सर जिंक आयन करता है, कभी देखा है ऐसा? हाँ आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो सेल आती है बाजार में जो मिलती है बड़े बड़े सेल लेते हो चाहे छोटे बड़े सेल लेते हो, तो वो जिंक की जो पतली पट्टी चढ़ी रहती है चारों ओर सफेद कलर की, वो अंदर कैथोड डाला रहता है कार्बन, आपने देखा होगा, तो वो पिलपिला हो जाता है जब वो पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, क्या होता है जिंक पूरा बह जाता है, तो ये छड़ क्या होती है, घुलती है। तो यहाँ पर क्या घुल रही है, यानी कि आयन छोड़ रही है। H2SO4 क्या होता है, अपने घटक आयनों में वियोजित होता है, कैसे हो जाता है घटक आयनों में, कि यह हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, एक होती है, तो वो क्या करता है दो हाइड्रोजन के परमाणुओं को, दो हाइड्रोजन के परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं। सल्फर की तो संयोजकता -2 होती है, तो यह क्या करता है एक ही परमाणु उसके दो इलेक्ट्रॉनों को, दो इलेक्ट्रॉनों मतलब तो दो आयनों के रूप में व्यक्त किया जाता है, H2SO4- हो जाता है। क्या होता है कि जो सल्फर होता है वह कहां जाता है, जिंक के पास जाता है, और जिंक के पास जाकर के क्या करता है कि सल्फर के आयनों से है क्रिया कर लेता है और Zn2SO4 बना देता है। देखो इसकी 2+ है इसकी 2- है, यानी कि इसको दो की जरूरत है और इसके पास दो अधिक है, मतलब देने वाला धन यानी कि इसने तो त्याग कर दिया और इसने ले लिया ये, तो ये क्या करेगा अपने दो इसको दे देगा और ये बराबर हो जाएंगे और Zn2SO4 क्या होता है फिर इसके बाद हाइड्रोजन आयन जो होती है, अब क्या रहता है मुक्त रूप में कौन रह गया, हाइड्रोजन आयन ही रह गए कि नहीं, तो ये कहां जाते हैं कॉपर की छड़ के पास चले जाते हैं। क्या होता है कॉपर की छड़ के पास चले जाते हैं और वहां क्या होता है हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है, क्या होता है हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है, H2 गैस बना लेता है परमाणु गैस बन जाती है और ये क्या होती है निकलने लगती है, बुलबुलों के रूप में निकलती है बाहर, और इसमें क्या होता है कि ये कुछ गैस इसके तांबे की छड़ पे भी जम जाती है जिससे क्या होता है थोड़ा विद्युत धारा में अवरोध भी उत्पन्न होता है। अब हम इन सभी अभिक्रियाओं को कैसे लिख सकते हैं Zn+H2SO4, तो क्या हो जाता है Zn+H2+ ऊर्जा, और के साथ में हमें क्या मिलती है ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ध्रुवण होता है और स्थानीय क्रिया होती है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, मैंने सोचा कि आपको ध्रुवण की क्रिया वगैरह नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, अगर मेरा विचार बदल गया अब मैं आपको इसी वीडियो में इसको कंप्लीट कराए देता हूं। सबसे पहले क्या आता है ध्रुवण, मैंने आपको अभी बताया था कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वह कहां जाते हैं कि कॉपर की छड़ के पास जाते हैं, तांबे की छड़ के पास जाते हैं, जब वो तांबे की छड़ के पास जाते हैं तो क्या होता है कि वह वहां पर एकत्रित होने लगते हैं, जब वो एकत्रित होने लगते हैं तांबे की छड़ पर हाइड्रोजन आयन जमने लगते हैं, कुछ तो बुलबुलों के रूप में निकल जाते हैं। अब इससे के कारण क्या होता है कि जब वो बुलबुलों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर बुलबुलों के रूप में, तो क्या ना आप जानते हैं जो समान आयन होते हैं जो समान ध्रुव के जो आयन होते हैं वह क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो वो क्या होते हैं विपरीत दिशा में चलने लगते हैं, वो है जस्ते की छड़ के पास चलने लगते हैं। जस्ते की छड़ के पास पानी के पहुंचने के कारण क्या होता है कि विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे सेल का विद्युत दाब बल क्या हो जाता है कम, कहने का मतलब ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट होने लगता है एक तरीके से, डिम हो जाती है लाइट और आपकी दिशा बदल जाती है। आप जानते हैं जो सेल होती है वह आपका DC करंट छोड़ती है, जो भी सेल होगा कभी AC नहीं बनाता DC, और आपको एक बात बता दूं सबसे पहले जो विद्युत बनी थी वो DC ही बनी थी, चाहे वो जनरेटर की फैराडे ने जो आपकी विद्युत धारा बनाई थी वो DC ही बनाई थी, AC बहुत बाद में टेस्ला ने बनाई ना कि फैराडे ने बनाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो देखते हैं कि जो ध्रुवण की क्रिया हुई तो आपने समझ लिया इसको क्या कहते हैं ध्रुवण कहते हैं, तो इस ध्रुवण की क्रिया को दूर करने के उपाय क्या है, एक तो यांत्रिक विधि दूसरी रासायनिक विधि है,
तीसरी विद्युत रासायनिक विधि। बिल्कुल सरल है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। यांत्रिक विधि क्या है, इसमें क्या करते हैं कि तांबे की छड़ को बार बार निकाल करके, जैसे ही उस पर जम जाती है आपके हाइड्रोजन गैस जम जाती है, तो उसको साफ करके फिर से उसमें डाल देते हैं। परंतु ये व्यवहारिक नहीं, आप कहाँ तक उसको छड़ को निकालेंगे और उसमें फिर साफ करके डालेंगे, तो ये व्यवहारिक नहीं होती, तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता यांत्रिक विधि। दूसरा क्या है, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि के अंतर्गत क्या होता है कि आप जो कॉपर की छड़ होती है ना, तो एक अलग जो होता है ना, उसमें जो इस विलयन में क्या किया जाता है, इस विलयन में मैंगनीज डाइऑक्साइड या पोटेशियम डाइक्रोमेट या नाइट्रिक अम्ल को क्या कर देती है, मिला देती है। तो ये क्या करता है, वो उसमें इनसे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको हाइड्रोजन को पानी में बदल देते हैं। ये जो आपकी जो साधारण सेल आते हैं एवरेडी के हैं शक्ति के हैं, तो इसमें क्या होता है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड वगैरह मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है हाइड्रोजन की गैस होती है वह पानी में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, विद्युत रासायनिक। तो विद्युत रासायनिक विधि में क्या किया जाता है कि जो कॉपर की छड़ होती है उसको एक अलग विलयन में ही मिला दिया जाता है, तो जो हाइड्रोजन गैस आती है वह उससे क्रिया कर करके एक अलग विलयन बना लेती है, या तो जल बना देती है या कुछ और। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे कि अगर हम अन्य शैली की बात करें, तो यहाँ पर जैसे कि अपना होता है गैलियम सेल, तो गैलियम सेल में क्या होता है कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसको दूसरे विलयन में डाल दिया जाता है, तो इससे क्या हो जाता है कि जो आपकी ध्रुवण की क्रिया है वह रुक जाती है, तो ये आपकी विद्युत रासायनिक विधि होती है। स्थानीय क्रिया का मतलब क्या होता है, स्थानीय क्रिया का मतलब होता है कि जो शीशा होता है वह जो शुद्ध शीशा होता है, सॉरी शुद्ध जस्ता होता है, मैंने धोखे से जस्ता की जगह शीशा कह दिया, जो शुद्ध जस्ता होता है वह बहुत ही महंगा आता है। तो क्या होता है, बाजार से जब हम जस्ता लाते हैं तो सस्ता वाला जस्ता लाते हैं, जिसमें आर्सेनिक लोहा कॉपर अन्य चीज़ों की क्या होती है मिलावट होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो अपन जैसे विलयन में इसको मिलाते हैं तो इसकी जगह जगह पर छोटी छोटी सेल बन जाती है, स्वयं ही सेल बन जाती है, और इससे क्या होता है विद्युत धारा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, स्थानीय क्रिया से मुक्ति पाने के लिए अपन जो जस्ते की छड़ होती है उस पर हम क्या चढ़ा देते हैं, मरकरी। क्या चढ़ा देते हैं, मरकरी की परत चढ़ा देते हैं, मतलब पारे की परत चढ़ा देते हैं, जिससे वह स्थानीय क्रिया रुक जाती है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया।